इंदौर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल 50 सालों से इंदौर में देखी जा रही है। ईद के मौके पर हिंदू परिवार शहर काजी को बग्गी पर बिठाकर ढोल ताशे के साथ ईदगाह तक ले जाते हैं। वहीं ईद की नमाज हो जाने के बाद फिर से हिंदू परिवार शहर काजी को घर पहुंचाते हैं। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने शहर काजी से खास बातचीत की है, देखिए क्या कहते हैं इस परंपरा के बारे में। वो हमारे साथ में इंदौर शहर काजी इरशाद अली जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी मिसाल जो है यहाँ पर पिछले कई सालों से पेश होती आ रही है, आप कब से इसको देख रहे हैं और किस प्रकार से हिंदू परिवार आपके यहाँ आकर आपको ईदगाह तक लेकर जाता है? ये मरहूम रामचंद सलवाड़िया जी जो थे वो हमारे मरहूम वाली साहब को ले जाते रहे पिछले 50 साल से, और हम तो छोटे से देखते रहे और मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मुझे ले जाते रहे। अब उनके सलवाड़िया जी के इंतकाल के बाद उनके बेटे ले जाते रहे, उनकी पूरी टीम आती है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारत में एक इंदौर कुछ अलग करने वाला शहर है। हम सफाई में ही नहीं हैं, हम कौमी एकता में भी बहुत आगे रहने वाले लोग हैं। अगर किसी को देखना है तो देखें कि हिंदू परिवार अपना हज़ारों रुपया जेब का खर्च कर कर एक शहर काजी को घर से मान सम्मान से ले जाकर ईद की नमाज़ पढ़ा कर वहाँ मान सम्मान से छोड़ते हैं। ये मिसाल कहाँ आपको देखने को मिलेगी? अब कल फिर से बग्गी और घोड़ों से आपको यहाँ से सम्मानित कर कर यहाँ से लेकर जाया जाएगा वहाँ पर, तो क्या संदेश आप दूसरी जगहों पर देना चाहेंगे कि इंदौर में एक बड़ी मिसाल पेश होती है तो कहीं और भी ये मिसाल पेश होना चाहिए? इस तरह की शुरुआत जो हुई थी, इस शुरुआत के पीछे का कारण भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण इस शुरुआत के पीछे का रहा होगा।